अस्सलाम वालेकुम YouTube फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे फ्रूट कस्टर्ड जेली। अच्छा, इसके लिए हमने लिया है ये 1/2 लीटर दूध है, कस्टर्ड वनीला कस्टर्ड लिया है, फ्रेश क्रीम है ये तकरीबन 400 ग्राम्स है, एक मिक्स फ्रूट 10 है, जेलीज हमने डिफरेंट कलर्स के लिए, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, ऑरेंज, और ये सारी जेलीज हम डालेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम कस्टर्ड बना लेते हैं। कस्टर्ड बनाने के लिए हमने ये एक साशे ले लिया है पूरा, और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, और इसी के अंदर शुगर में ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो फ्रेश क्रीम है उसके अंदर भी शुगर मौजूद है। इसको अच्छी तरह से हम बीट कर लेंगे और फिर हम इसको मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। अच्छा, मैं तकरीबन 5 टीस्पून खाली मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा देखिए, अब हम जेली बनाएंगे। ये अभी पहले मैं ऑरेंज जेली बना रही हूँ, 1 कप मैंने लिया है। इसके अंदर सारी डिटेल्स मौजूद होती हैं, बस ये ऑरेंज जेली मैं इसके अंदर डाल के जब ये बॉयल हो जाएगा तो फिर निकाल लूँगी, और इसी तरह मैं सारी जेलीज बना लूँगी। ये देखिए बॉयल होना शुरू हो गई है, बस इसको मैं प्लेट में निकाल दूंगी और ठंडा कर लूंगी। इसी तरह मैं सारी जेलीज बना लूंगी। ग्रीन जेली भी हमने बना ली है, ये भी बॉयल होना शुरू हो गई है। अच्छा देखिए, ये फ्रूट टिन भी हमने खोल लिया था इसको पूरा, और इसमें से इसका जो सिरप था वो अलग कर लिया है बिल्कुल। अब हम इसको जो है वो कस्टर्ड में मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये फ्रेश क्रीम इसको हमने चिल कर लिया है एकदम, अब हम इसको बीट कर लेंगे। ये देखिए, क्रीम हमने अच्छी तरह से बीट कर ली है, अब हम इसको कस्टर्ड में मिक्स करेंगे। चलिए असेंबलिंग शुरू करते हैं। ये सबसे पहले मैं कस्टर्ड और फ्रूट इसके अंदर डाल रही हूँ बोल के अंदर। बोल मैंने एक बड़ा ले लिया है, इसके अंदर सब मैं डाल दूंगी। अब मैं इसके अंदर ये जो हमने क्रीम व्हिप की थी ये इसके ऊपर डाल दूंगी। इसको अच्छी तरह से हम फैला देंगे ताकि एक लेयर बन जाए। अच्छा, ये जेलीज की जो है वो हम कटिंग कर लेंगे। इसको जो है वो निकाल लेंगे इसमें से। सारी जेलीज जो है वो हम सबकी कटिंग करके और इसको आपस में सबको मिक्स कर लेंगे। पहले हमने कस्टर्ड और मिक्स फ्रूट डाला, फिर उसके अंदर थोड़ा सा हमने क्रीम मिक्स की है हाफ। अब उसके बाद हम अगेन जो है वो ये क्रीम की हमने लेयर डाली है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके हम सारी जेली डालेंगे। लीजिए जनाब, हमारा मज़ेदार सा फ्रूट जेली कस्टर्ड बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।